मैं अपने कोर्स पे काम कर रहा हूँ, लाइक जैसे जो मेरे जैसे लोग थे जिन्हें कुछ पता नहीं था ये रियलिटी शो वर्ल्ड के बारे में, उनके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है। एक जो उसे सही लग रहा है वो कर रही है, मुझे सही लगा कि मुझे कुछ ज्यादा इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं बोला। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सचिन के शो में इतने सारे मस्ती हुई है, कितने सारे टांग खिंचाई हुई है सब। अरे सचिन के साथ मस्ती तो चलती रहती है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि भाई वो इतना बढ़िया कुछ उसने प्लान किया एंड शो बहुत ही अच्छा निकलेगा आई होप। एंड कुछ आपने कहा मस्ती तो डेफिनेटली उसके साथ चलती रहती है, बट टांग खींचने वाली चीजें बहुत ज्यादा हो रही कर रहा था वो, क्योंकि वो रुकता नहीं है, उसको पसना होता है बीच में चीजें निकल पानी होती है, बट शो देखने में डेफिनेटली आई बिलीव कि सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा। जो उसे सही लग रहा है वो कर रही है, मुझे सही लगा कि मुझे कुछ ज्यादा इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं बोला फिनाले के बाद ना लाइफ पे आके ना कहीं और। लेट हर डू हर थिंग, वो उसकी जिंदगी है, जो उसे सही लग रहा है वो बोल रही है, एंड मुझे ऑनेस्टली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब वो बोलती है, बट जो मेरे चाहने वाले हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कुछ ऊपर नीचे वो चीज बोलती है, और फिर अगर हेट आती है तो फिर उस चीज को वो खुद सिंपति लेने की कोशिश कर रही थी आई बिलीव काफी जगहों पे कि भाई मेरे को बहुत हेट आई, ये हुआ, ये वाले फैंस मुझे इतना सुना रहे हैं, तो फिर फैंस को आगे लाइफ पे गालियां नहीं देनी चाहिए थी आई बिलीव। देखिए कुछ एक म्यूजिक वीडियो मैं शूट कर चुका हूँ, वो होपफुली जल्दी ही बाहर आएगी, एंड मैं अपने कोर्स पे काम कर रहा हूँ, लाइक जैसे जो मेरे जैसे लोग थे जिन्हें कुछ पता नहीं था ये रियलिटी शो वर्ल्ड के बारे में, उनके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है। एक चीज मैं देना चाह रहा हूँ लोगों की, भाई सपने पूरे हो सकते हैं, और काफी चीजें उसमें मैंने बताई हैं कोर्स वाली चीजें, फिर और भी कुछ चीजें मैं डेफिनेटली प्लान कर रहा हूँ आगे अपने चाहने वालों के लिए, क्योंकि अब छोटा नहीं करना, अब यहाँ से बस बड़ी चीजें करनी है, एंड लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनपुट देना है कि भाई उनको भी विजन दिखाना है कि भाई वो भी बेटर कर पाए और आगे बढ़ पाए डेफिनेटली इस फील्ड में। ये अभी शो है सचिन का, इस पे तो देख ही सकते हो आप लोग बाकी ब्लॉग्स वगैरह। अच्छा हम दोनों को सिर्फ हम दोनों को देखना, तो व्लॉग्स वगैरह डालते हैं। अब तो उन्नति ने भी अपना चैनल स्टार्ट कर लिया है, तो व्लॉग आप लोग देख सकते हो, एंड यस बाकी आगे अगर कुछ चीजें होती हैं तो बताएंगे हम। मेरे को नहीं लगता ऐसा होता है, अगर इट्स मेंट टू बी इट विल बी देयर, और शो में जाते हैं तो आपको एक कनेक्शन बनाना ही पड़ता है, वो स्प्लिट सिला में सॉर्ट ऑफ है ही कि आपको कनेक्शन बनाना, आगे किसी के साथ मूव करना, और आप बहुत टाइम साथ रहते हैं, फिर बाहर आके भी आप इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं, एंड स्टार्टिंग से बोला है ना हमने शो पे एग्जैजरेट किया कि हमारा ये चल रहा है वो चल रहा है, हम बहुत प्यार में हैं, हम 60 साल साथ रहेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। थिंग्स आर गोइंग विद द फ्लो, हम दोनों खुश हैं अपने एनवायरमेंट में, वो खुश है अपनी लाइफ में, और जितना हम एडअप कर पाते हैं एक दूसरे की लाइफ पे हम करते हैं, तो बढ़िया। बिल्कुल मम्मा बहुत ज्यादा खुश है, मतलब रोडीज के बाद शी वाजंट, हाँ मतलब माँ है, उनको बुरा लगता है अपने बेटे के लिए ना, अब भी एक दो बार बोल देते हैं कि वो फिनाले में वो चीज हो गई थी बातों बातों में, तो पता लग जाता है, बट शी इज वेरी हैप्पी कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है, एंड दे आर प्राउड, तो मैं भी उस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि इन द एंड मैं घर वालों को अच्छा फील करा पाया। कई बार आपको पूरे दिन में बस एक बार वो मम्मा कॉल से, कई बार अभी जैसे शो खत्म हुआ तो लो फील कर रहा होता हूँ मैं काफी बार कि अब क्या करना है, प्रेशर बहुत है क्योंकि इतने सारे फैंस बन चुके हैं, उन्हें निराश नहीं करना, बट मम्मा से बात होती है तो वो बहुत जल्दी नॉर्मल कर देती है ना, मतलब वो स्ट्रेस जो होता है रिलीव कर देती है, तो अच्छा कर रहा है तो कर लेगा, बस वो जो 2-3 लाइनें सुनने को मिल जाती है ना तो बस मन खुश हो जाता है। गाइस कीप सपोर्टिंग जैसे कि करते आए हो, अब ऑब्वियसली शो ओवर हो चुका है, वहां तो मैं नहीं दिखूंगा, बट मेरी यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, एंड और भी कुछ चीजें आगे आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड, मजा बहुत आने वाला है। थैंक यू।